अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम परिचय लेक्चरर उर्दू मेल का दूसरा हिस्सा हल करते हैं। एक सवाल पूछा गया था, अल्लामा इकबाल ने अपनी नज़्म में किस फातिमा का ज़िक्र किया है? फातिमा बिनते अब्दुल्ला। नावल हासिल घाट किस का है? इसकी मुसन्निफा हैं बानो कुदसिया, जबकि परिचय में ये ऑप्शन नहीं था। एक सवाल था, खोजी का किरदार किस का तख्लीक करदा है? पंडित रतननाथ सरशार। अनारकली की सिन्फ क्या है? ये इम्तियाज़ अली ताज का लिखा हुआ ड्रामा है। दस्तूरुल शाक की सिन्फ मसनवी। ये सब तुम्हारा करम है आका, ये नात किसकी लिखी हुई है? इसका जवाब है खालिद महमूद खालिद। मैं मिट्टी की मूरत फहमीदा रियाज। गंजीना माना का तलिस्म मुरत्तिब रशीद हसन ख़ान किस इदारे ने शाये की है? मजलसे तरक्की अदब लाहौर। इदारा फरोगे कौमी ज़ुबान मुक्तदरा कौमी ज़ुबान के पहले सदर नशीन कौन थे? डॉक्टर इश्तियाक हुसैन कुरैशी। फाउंडेशन ऑफ पाकिस्तान बाय सैयद शरीफुद्दीन पीरजादा। ह्यूमन राइट्स की वज़ीर शीरी मज़ारी। मैंने मुरासले को मकालमा बनाया, ये बयान मिर्ज़ा गालिब का है। हम सफ़ीर का मतलब हम आवाज़। उसने हाथ नब्ज़ पर रखा, ये जुमला मजाज मुरसल का है। कुल बोलकर जुज़ मुराद लिया गया है, नब्ज़ पर हाथ नहीं उंगलियां रखी जाती हैं। राजा गिद्ध में कौन सा फ़लसफ़ा पेश किया गया था? हलाल व हराम का फ़लसफ़ा। लसानुल असर ये लकब है। मुआज़ना अनीसो दबीर के मुसन्निफ़ मौलाना शिबली नुमानी हैं। दरियाफ्त किस यूनिवर्सिटी का रिसाला है? नमल यूनिवर्सिटी। मुशफिक ख्वाजा किस उन्वान के तहत कालम लिखते थे? इनके कालम का उन्वान होता था सुखन दर सुखन, और इनका कलमी नाम खामा बगोश था। फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश सियालकोट। खानम का किरदार किस नावल का है? अमराव जाने अदा। फरहंगे आसफिया के मौलिफ मौलवी सैयद अहमद दहलवी। स्पिरिट ऑफ इस्लाम के मुसन्निफ सैयद अमीर अली। कुली कुतुब ने किस शहर को इल्म व तहज़ीब का मरकज़ बनाया? दक्कन को। परवेज़ मुशर्रफ को सज़ाए मौत किस आर्टिकल के तहत हुई? इसका दुरुस्त जवाब है आर्टिकल 6। बहुत शुक्रिया दोस्तों, बाकी के सवालात इंशाल्लाह अगले हिस्से में पेश करूँगा। वस्सलाम।